हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग इज़ बेस्ट में। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आपको मिलती है तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे अपने मोबाइल में, तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में मैं लेकर आया हूं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, पर आपको किसी और वीडियो को देखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दो स्टेप्स मैं लेकर आया हूं, आप दोनों में से कोई भी स्टेप को फॉलो कर लेना, पर दूसरी स्टेप बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, आप जरूर से पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए पूरा वीडियो वॉच करते नहीं है और लास्ट में आपको प्रॉब्लम मिलती है, फिर कमेंट्स अधिकतर मिलते हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाया। तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप यहां से जाइए और बिल्कुल आप संतुष्ट होकर जाएंगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम अधिकतर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपने सोचा है कभी कि ये प्रॉब्लम आपकी आती क्यों है? तो ऐसा होता इसलिए है कि यदि मान लो आपने अपना मोबाइल है उसको रीसेट कर दिया है, या तो फिर क्या होता है कि किसी दूसरे डिवाइस में आपने अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन किया हुआ है, क्या होता है कि जोन से आईडी से प्रॉब्लम आपकी जनरेट हो रही है। यदि उसी गूगल आईडी से आपने किसी दूसरी डिवाइस में यदि लॉगिन किया था और उसमें से आप लॉग आउट करते हैं, या तो आप पासवर्ड उसमें से डिलीट कर देते हैं, या उसमें कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि आईडी में सिक्योरिटी पर्पज से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो गूगल क्या करता है, उस आईडी को थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है। तो हमें उस आईडी को रिकवर करना पड़ता है। तो रिकवर आप कैसे करेंगे आईडी को, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर। तो देखिए, अब हम यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमने यहाँ पे अपने यूट्यूब अकाउंट पे क्लिक करा है और यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है साइन इन की। हम साइन इन पे क्लिक करते हैं और वेरीफाई इट्स यू पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखिए, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, आपकी ईमेल आईडी शो हो रही है, आप पासवर्ड जैसे ही इंटर भी कर देते हैं और आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आईडी ओपन नहीं होती और इस टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना सर्च इंजन ओपन कर लेंगे, कोई से भी ब्राउज़र को आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो फ्रेंड आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट डिसेबल्ड टाइप करके एंटर कर देना है। फर्स्ट में जो आपको लिंक दिखाई देगी उस पर क्लिक कर देना, आपके पास गूगल अकाउंट या सपोर्ट का एक पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे आपको जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा कि फिल आउट दिस फॉर्म, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको एक पेज ओपन हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने गूगल खाते में ऐसे ईमेल पते से साइन इन करना चाहते हैं जो कि बताए गए एग्जांपल के साथ समाप्त हो रहा है, तो आप यस पे सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे एक बॉक्स दिखाई देगा, देखिए एक नया पेज जो कि ईमेल एड्रेस आपको डालने के लिए बताएगा। जो फर्स्ट में ईमेल आईडी आपको वाली शो करनी है जो आपकी गूगल से अटैच थी और जो ब्लॉक हो गई है, और सेकंड पर नई ईमेल आईडी डालनी है जो कि गूगल वाले आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। देखिए, आप सब कुछ सोल्व करने के बाद गूगल वाले इसी आईडी पे आपको मेल करेंगे सेकंड वाले से। तो देखिए, आप ये सब कुछ डालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये गूगल ये पूछ रहा है आपसे कि अगर आपके पास कोई अन्य उपयोगी जानकारी तो हमें बताएं। तो आप सिंपली यहाँ पे अपने हिसाब से इनको टाइप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। देखिए, पूरा फॉर्म यदि आप फिल कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि गूगल है ना, आपने जो सेकंड ईमेल आईडी डाली थी, मैंने जो आपको बताया था कि गूगल आपका पूरा फॉर्म फिल करने के बाद जो आपने सेकंड में जो ईमेल आईडी डाली है उस पर एक मेल जनरेट करेगा, मेल एक आपको सेंड करेगा, उस पर एक लिंक दी हुई होगी, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, आपकी गूगल आईडी वो ओपन हो जाएगी और उसमें पासवर्ड मांगेगा, आपको सिंपली नया पासवर्ड जनरेट कर लेना है और आपकी ईमेल आईडी वापस से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, पूरा आपको मैंने प्रोसेस बताया है, अब मैं आपको सेकंड स्टेप बताने वाला हूँ, वो तो फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड तरीका सबसे बेस्ट है दोस्तों, तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम आपको यदि फेस हो रही है तो दूसरा प्रॉब्लम जो मैं लेके आया हूँ, इन सब चक्करों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अधिकतर वीडियो में यही बताया जाता है, तो मैंने आपको वो शुरू में वो चीज़ बता दी है कि उसको आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, उससे भी शॉर्ट आउट हो जाता है।
पर दोस्तों अब यहाँ पे हम नया तरीका जान लेते हैं जो कि बहुत आसान, बहुत सेफ और बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है, जहाँ पे प्ले स्टोर का आइकॉन आपको दिख रहा होगा इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको आएगा, तो आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक पेज ओपन होकर आएगा, ऊपर ईमेल आईडी शो हो रही होगी, इसको मैंने ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। आपको नीचे इस ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे इंटर करके सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पेज ओपन होकर आएगा अकाउंट रिकवरी का, इसमें यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आपके उस मोबाइल पे आएगा जो मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ये मोबाइल नंबर वो है जो जीमेल आईडी से आपका अटैच है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे सेंड पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज आपके पास आएगा, और ये देखिए जैसे मैं नेक्स्ट बटन सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऊपर नोटिफिकेशन बार में आपको एक मैसेज शो होगा और वो ऑटोमेटिकली ही कैप्चर कर लेगा। उस मैसेज को देखिए अपने आप यहाँ पे नंबर डल गए हैं और यहाँ पे एक पेज वापस से हमारा ओपन होके आ गया है। चूज हाउ यू वांट टू साइन इन, आप किस तरीके से साइन इन करना चाहेंगे। तो फर्स्ट में यदि फर्स्ट नंबर पे आप क्लिक करते हैं तो फर्स्ट वाली जो आपको आईडी शो हो रही है उस आईडी पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस पे सिंपली आपको वेरिफिकेशन कोड लेके उसमें डाल देना है। यदि आप सेकंड वाली पे क्लिक करते हो सेकंड ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो हमको क्या करना है दोनों में से सेकंड वाली आईडी पे हमको क्लिक करना है। आप जो आपको जो तरीका वैलिड लगे उस तरीके पे आप जाइए। तो मैं सेकंड वाली पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटर कोड का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको ऊपर जो ईमेल आईडी दिख रही है उस ईमेल आईडी पे कोड जनरेट हुआ है। चलिए हम उस ईमेल आईडी पे चल के आपको बताते हैं। तो उस ईमेल आईडी को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे रीलोड करने के बाद ऊपर आपको एक मैसेज दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए 856325 हमारा एक मैसेज मिला है। यही वेरिफिकेशन कोड को आप इस बॉक्स में इंटर करेंगे। देखिए मैंने इंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन में मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका चेंज पासवर्ड का एक पेज आपको ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर लेना है, उसको याद रखना है, यही पासवर्ड आपका उस ईमेल आईडी में काम आने वाला है। जैसे आप सेव पासवर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपका पासवर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा और ये चेक इन्फो पे क्लिक करेगा और यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाने वाला है। आपने यहाँ पे प्ले स्टोर की आईडी पे ये सब चीज़ें की थी तो ऑटोमेटिकली आपको चूज एन अकाउंट आएगा, तो फर्स्ट वाले आईडी को आपको क्लिक कर देना है और ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपका जो अभी नया पासवर्ड आपने जनरेट किया है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। तो देखा आपने बहुत आसान तरीके से प्ले स्टोर को आपने ओपन किया है। अब चलिए हम यहाँ पे YT स्टूडियो को भी ओपन कर लेते हैं। तो YT स्टूडियो में क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से आपका YT स्टूडियो भी यहाँ पे ओपन हो जाता है। देखिए ये YT स्टूडियो आपका कोई सी भी आईडी से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दो अकाउंट बता रहे हैं, मैं दोनों में से कोई से भी अकाउंट पे ओपन करूँगा। जो मेरा बंद था उस अकाउंट पे भी यहाँ पे YT स्टूडियो मेरा देखिए ओपन हो चुका है। इसी तरीके से आप यूट्यूब भी ओपन कर सकते हैं और फेसबुक भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ही आसान स्टेप्स में हमने जो गूगल की जो ईमेल आईडी हमारी ओपन नहीं हो रही थी उस ईमेल आईडी को हमने आसानी से रिकवर कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह की टेक्निकल वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस तरह की टेक्निकल वीडियो को पाने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है, उसके पास में बेल आइकॉन को भी आपको क्लिक कर देना है ताकि आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए।